उड़ती तो नहीं है लेकिन रेस ट्रैक पे काफी तेज है, 0 to 100 किलोमीटर ये जाती है 4.02 सेकंड्स में, एक या फाइव बच्चे एक ही टाइम। एनएडी में ये मैन्युफैक्चर हुई है, इसका कॉस्टिंग तकरीबन 16 to 18 लाख था। ये सर उड़ती तो नहीं है लेकिन रेस ट्रैक पे काफी तेज है, 0 to 100 किलोमीटर ये जाती है 4.02 सेकंड्स में, इसकी टॉप स्पीड 120 है और इसका कंप्रेशन रेशियो 12.2:1 है। इसमें होंडा CBR 600cc का इंजन लगा है जो कि आपको अगर आप कन्वर्ट करें डिवाइड बाय 15 करके हॉर्स पावर में आपको मिलता है 40 हॉर्स पावर तकरीबन। और ये जो गाड़ी है ये FSAE की गाड़ी है, उसमें जो है हमने स्टूडेंट्स FSAE एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1981 से बनी है फॉर ऑल ranges of engineering fields, automotive, whether it be mechanical, whether it be industrial management, because all of those things fall under that category and we're able to work together, formulate a team that we can produce our work. ये जा चुकी है कनाडा में हमने second place आया cost effectiveness में, top 100 में हम आ चुके हैं जो race होती है normal race track पे, और हम ऑस्ट्रेलिया भी जा चुके हैं इसमें, third position आई है, fourth position आई है compression engines में। इससे फायदा सर क्या होता है कि इससे हमें एक एक्सपीरियंस मिलता है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बिफोर गेटिंग इनटू द इंडस्ट्री, बिफोर स्टेपिंग योर फुट डाउन इन द एक्चुअल इंडस्ट्री, यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स वर्किंग ऑन अ कार लाइक दिस। स्टूडेंट्स को बहुत सीखने को मिलता है, उसमें जो स्पॉन्सर आते हैं उनको भी फायदा होता है, कज़ उनकी जैसे TCS हमें स्पॉन्सर किया था 2018 में, उनको रिकॉग्निशन मिली थी इस तरह कनाडा लेके गए, तो दे पेड आउट फ्लाइट चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, कस्टम चार्जेस, तो उनको इसमें रिकॉग्निशन मिली थी कि हाँ भाई TCS भी एक कंपनी है जो स्टूडेंट्स के लिए, फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान के लिए और इंजीनियर्स में इंप्लीमेंट करते हैं और उसमें बाकी फंडिंग करते हैं। MN गोल्डकर के पास ओमनी कार्टिंग एक रेस ट्रैक बना है विच इज़ क्वाइट बिग, तो उसमें जो है हम ये लेके जा सकते हैं, उसमें इनिशियल स्टेजेस में हम लोग छोटी छोटी रेसेस कर सकते हैं, और ये ज़्यादातर सिर्फ रेसेस नहीं होती, इसमें डिज़ाइनिंग भी देखते हैं आपकी, डिज़ाइनिंग भी आपके लोग देखते हैं कि अगर कितनी अच्छी डिज़ाइन हुई गाड़ी, आपने कौन से टाइप के मटेरियल यूज़ करें, कौन से कॉयल ओवर्स हैं वगैरह, किस तरह आपने हब्स बनाए, जैसे हमने शरानी स्टील से बनाया, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी चॉइसेस पे, कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे, इकोनॉमिकल कंसिडरेशंस पे फायदा करती है, और ये कितना एनवायरनमेंट को उसमें डैमेज करती है वो वगैरह सारी चीज़ इंप्लीमेंट होती है। और पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह हो सकता है अगर हम और जाएँ मजीद और लोग और टीम्स जाएँ, जैसे नस की जाती है तो और भी चले जाए, फास्ट की चले जाए, IBA के कुछ करके चले जाए, तो इट विल बी समथिंग लाइक कि हाँ हम एक नाम बना रहे अपने पाकिस्तान का एज अ मुल्क, कि भाई हमारे इंजीनियर्स भी इसमें बहुत इन है। बात ये थी कि TCS हमारा स्पॉन्सर था तो सब हैंडल उन्होंने करा था, सारे जो कस्टम पे चार्जेस वगैरह, फ्लाइट के चार्जेस, सबके वीज़ा टिकट सारे मेंबर्स के उन्होंने करे थे। हमारे पास तस्वीरें भी अपने वेबसाइट पे वगैरह हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे थोड़ी देर बाद, पूरी एक वीडियोज़ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री मिलती है हम किस तरह बाहर लेके गए थे, तो उसमें यही काम तो नॉर्मल जो जिस तरह कोई एक चीज़ लेके जा रही होती है, और कस्टम में भी अलहमदा कोई इशू नहीं होता, अक्सर लोगों की गाड़ियाँ वहाँ पर जिस कंट्री लेके जाते हैं रुक जाती हैं, तो हमारी अलहमदा वापसी आ गई थी, तो ये NAD में पड़ी हुई थी। अब हम एक और गाड़ी बना रहे हैं जिसको हम लेके जाएंगे, वो डिफरेंट है क्योंकि हम हर साल अपने आप को चैलेंज करते हैं और दूसरी गाड़ी बनाते हैं, अगर ये जा चुकी है तो हम बोलते नहीं इस पर नहीं दूसरे पे काम करेंगे, हम मसाले के सामने डेफिनेट आप यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं चला सकते आप, यहाँ पर हम खुद अभी नीपा से लेके आए उस पर, खैर अभी इसमें तो इंजन है भी नहीं, दिस इज लाइक सॉर्ट ऑफ लाइक अ शोकेसिंग पीस फॉर अस, लेकिन ये यहाँ पर रोड पर नहीं चल सकती, यहाँ पर थ्रेड्स का जो है एक फर्क होता है, ये तो फिर भी गाड़ियों से रिलेटेड है, लेकिन जब हम रेसिंग के उसमें कैटेगरी में आते हैं तो उसमें हमें थ्रेड्स, ग्रिप, टायर की ग्रिप विद हर चीज़ उस मुताबिक, एंगल स्टीयरिंग का टो इन रखना है, कितना अंडर स्टीयर ओवर स्टीयर, ये सब उसके मुताबिक करते हैं। नॉर्मल गाड़ियों में हर चीज़ नॉर्मल होती है, प्लेन होती है, न्यूट्रल होती है, तो ये रोड पे तो चल सकती है लेकिन इट्स प्रेफरेबल हम नहीं करें क्योंकि इसमें काफ़ी नुकसान मुश्किल का सामना करना पड़ता है अगर रोड पर चलाएँ। एक ही अफाद बच्चे एक ही टाइम, रेसर स्विच हो सकते हैं, अगर एक थक गया तो दूसरा आ सकता है। ये NAD में ये मैन्युफैक्चर हुई है, इसका कॉस्टिंग तकरीबन शायद 16 to 18 लाख था, सब कुछ वीज़ा सब कुछ मिला के, टायर, सस्पेंशन, नोज, स्टीयरिंग व्हील, हर चीज़ हम बाहर से लेके आते हैं और फिर हम NAD में जोड़ते हैं, और यूजली जो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, चैसी जो होता है हम खुद ही बनाते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए सबसे बड़ा मसला ये कि फ्रेमवर्क का, यहाँ पर अगर आप देखें तो कोई प्रॉपर फ्रेमवर्क कहीं पर भी नहीं है, वहाँ रोडों पर भी कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं है, सब रेड लाइट तोड़ के चला रहे हैं गाड़ी वगैरह, इधर तो कोई स्टूडेंट ऑन करेगा विच इज़ मोस्ट लाइकली इम्पॉसिबल, कि 16-18 लाख को एक अकेला बच्चा फंड नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल उसका कोई वालदे साहब बहुत बड़े, तो ये यूजली यूनिवर्सिटी ही ओन करती है, सुपरविजन यूनिवर्सिटी की होती है, कोई एक प्रोफेसर होता है दैट वुड लीड दिस प्रोजेक्ट विद अस, और फिर हमारे टीम हेड, जैसे अभी हमारे टीम हेड अहमद काजी भाई हैं और वो अभी इधर अवेलेबल नहीं है,
तो वो हैं और मैं नॉर्मल टीम मेंबर हूँ। तो इसमें एडवाइस ये है कि पहले आप फ्रेमवर्क लेके आएँ कि कौन क्या करेगा, कौन किसको ऑन करता है, पार्ट्स ये सब, बजटिंग वगैरह, टेंटेटिव बजट बनाना, प्रपोजल पूरा जैसा हमने बनाया हुआ है वो करके फिर आप इस पर काम शुरू करें। कि आपके पास जब कंफर्म हो जाए कि हाँ यार ये बंदा मुझे स्पॉन्सर कर लेगा, ये मेरी देख के, इससे पुरानी मेरी गाड़ी देखे, या अगर मैं बिल्कुल नया हूँ इससे मेरे आइडिया देखे, कॉन्सेप्ट देखे, सिमुलेशन देखे, ये इन्वेस्टमेंट और सबसे स्मार्ट है।